मानवीय आचार संहिता रूप में समय था तो वो तो हम जनता पार्टी के तीनों भाग जनता पार्टी के आरएसएस के और हिंदू विश्व के तो करीब 10-12 लोग हमारे पास आए आरा करके पूछा तुमने शिविर में कहा क्या खाना क्या बारे में तो उन्होंने बोला कि आप मनोधर्म शास्त्र को क्यों नहीं मानते मनोधर्म शास्त्र अभी कहाँ है क्या किसके पास मनोधर्म शास्त्र के अनुसार क्या आप जीते हो मैं जीता हूँ उसको छोड़ा जाए यदि जो यदि जीते हैं वैसे ही कहा जाए यदि जीते नहीं हैं कैसा जी रहे हैं उसको कहा जाए और क्या होना चाहिए उसको कहा जाए क्या पड़ा ऐसे बात शुरू कर दे उसमें सहमत सहमत होकर के वह क्या हम जो है ना वर्तमान में हम वर्णाश्रम को अथवा हम पहचान नहीं सकते ये बात में आने के बाद तो इधर नहीं होता है तो होना चाहिए क्या चाहिए होना चाहिए विकल्प होना चाहिए क्या और कुछ हो तो विकल्प नहीं होना चाहिए यहाँ तक आकर के दस वर्ष पूरा हम लोग 7-8 घंटा समय लगा तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारे हुआ है ये सबसे कोई फायदा नहीं है किंतु सूचनाएं इतना ही इसका सूचना तक ही प्रयोजन यदि इन सूचनाओं के आधार पर हम ये निश्चय कर सकते हैं हम अपने ढंग से हम पूरे बात को समझ के जीने के लिए प्रवृत्त हो सकते ये इतना हम कहना चाहूँगा ठीक है ऐसे इस ढंग से दर्शन को 4 भाग में लिखा है उसके बाद उसके आधार पर विचार करें विचार को 3 भाग में तो समाधान आत्मक भौतिक वर्ग हमारे पास अभी द्वंद्वात्मक भौतिक वर्ग पढ़ने को मिलता है उसकी जगह मैं क्या किया समाधानात्मक भौतिकवादिक दी भौतिकवाद स्वयं में समाधान स्वरूप में है उसको हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है उससे प्रेरणा पाने की आवश्यकता है इस पर बल दिया है उसके बाद व्यवहारात्मक जनमान हर मानव जो है ना व्यवहार और व्यवसाय दो काम करता है उसमें से मानव के साथ व्यवहार करता है और मनुष्य तथा प्रकृति के साथ व्यवहार करना व्यवस्था को व्यवसाय करता है इसके बारे में हम एक भाग लिखते हैं उसके बाद जो है मानव विज्ञान के बारे में लिखा है उन्होंने फ्रेड नाम के एक आदमी हुआ विद्वान उन्होंने ये लिखा है बच्चे जो ना जन्म से कामुक होते हैं ऐसा हो करके उन्होंने कामवादी मनोविज्ञान को लिखा है तो हमने क्या देखा बच्चों को जन्म से न्याय का याचक होते हैं सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं सत्यवत्ता होते हैं इस आधार पर हम मनोविज्ञान तो उसको मानव संचेतना वाले मनोविज्ञान नाम ये आप लोग अध्ययन कर सकते हैं निश्चय कर सकते हैं इसकी जरूरत के बारे में ठीक है ना ये वो दर्शन की बात तो उसके बाद तो विचार की बात विचार तीनों होने पर शास्त्र शास्त्र तीन लिखते हैं तो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के जगह में हम व्यवहार समाधान क्या लिखा है आवर्तनशील अर्थशास्त्र लिखा अर्थशास्त्र जो है ना आवर्तनशील होना चाहिए जैसा स्रोत को बनाए रख करके हम व्यवसाय करेंगे या नहीं करेंगे इस पर चर्चा इस स्रोत को बनाए रखना जैसा मुर्गी अंडा देता है मुर्गी को काटने पर अंडे बहुत सारे निकलेंगे ऐसा सोचना ठीक है ये मुर्गी अंडे भरे ही लेना ठीक है उसको सोचने के लिए कहा ठीक है उसी प्रकार जो है ना हर जगह में धरती को उर्वरकता को बनाए रखते हुए कृषि करना चाहिए उर्वरकता को समाप्त करके कृषि करना चाहिए तो अनाज में विकार को पैदा करके हमें अनाज को पैदा करना चाहिए अनाज को सुरक्षित करते हुए करना चाहिए इस पर बहुत 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 सारा बात लिखा है उसके बारे में समाधान भौतिकवाद भौतिकवाद के बाद ही भौतिकता के अर्थ भौतिकता विकसित होकर के प्राणावस्था के रूप में आता पुनः प्राणावस्था भौतिक रूप में हो जाता है मट्टी में सरे होता है इसके आधार पर यह लिखा उसके बाद लिखा है व्यवहारवादी समाज शास्त्र व्यवहार में जो है ना न्याय प्रदाय क्षमता संपन्न मानव परंपरा के बारे में बहुत कुछ कहा है और बाकी प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीने की कथा बताया वह पूरा विधि बताया
वही जो विधान बताया और उसके अध्ययन सिद्धांत बताए, इस प्रकार से लोग देखने के लिए तैयार होते हैं तो वो एक अलग शास्त्र ही बनता है, विकल्पात्मक शास्त्र शास्त्र। उसके बाद मनोविज्ञान लिखा है, इसी के आधार पर बच्चों के आधार पर तीन शास्त्रों को लिखा, तीनों शास्त्रों के लिख करके ये चार भाग शास्त्र दर्शन, छह भाग विचार और शास्त्र और संविधान लिखे। ये मानव संचेतना वाले मानवीय आचार संहिता और संविधान को लिखे आप लोगों के सम्मुख रखकर, उसमें जो है ना उसको भी कुछ विशेषज्ञ देख रहे हैं, संतुष्टि भी व्यक्त कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, ये सभी बात चल रही है। तो इसको आप धीरे धीरे करेंगे, जैसा आवश्यकता वैसा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आवश्यकता जब बनता है तो जल्दी करेंगे, आवश्यकता नहीं बनता है तो धीरे धीरे करेंगे, ऐसा मान करके शिक्षा विधा में प्रवेश किया। शिक्षा विधि में अभी छत्तीसगढ़ संस्कार जो तीनों भाग, एक व्यवस्था भाग, एक शोध भाग, एक प्रशिक्षण भाग, तीनों प्रकार के मनुष्यों ने मिलकर के इसको शोध करना है, तीनों इकट्ठा हो शोध करने हैं, इसकी औचित्यता को सिद्ध कर सरकार को बताने को इसको कर। इसी प्रकार से जगह जगह में बहुत सारे जगह में कार्य हो रहे हैं, आप लोग सुना हुआ भी होगा अभी बहुत सारे लोगों का बात, और उसमें से जो सार बात यही है हम कहाँ तक प्रमाणित हो पाएंगे। सार बात इतनी हम कितना प्रमाणित होंगे, कितना उपकार करेंगे, किसी को सोचने की मुद्दा है। ठीक है, अरे है बात पर और कुछ अभी समय जो है ना दूसरा हो गया होगा तो अभी यहाँ रुकना उचित होगा तो बताइए, नहीं तो आगे की बात बताएंगे, अनुरोध करेंगे। 10 मिनट और 10 मिनट है, 10 मिनट और समय है, 10 मिनट। ये तो हुआ लिखने की बात, तो हमारा स्वयं के अनुभव की बात, अनुभव की बात यह है कि भाई तो हम स्वयं प्रमाणित हुए बिना इसको कोई नहीं सुनाएगा, ये हम समझा। तो अभी हर व्यक्ति में यही होगा, समझने की बात यदि पूरा समझते हैं तो उनमें यही होता है, इसको कैसा प्रमाणित किया ये सभी व्यक्ति, ये एक बहुत प्रमुख बात है। इसके इसमें हमने जो समझा प्रमाणित होने की विधि, प्रमाणित होने की विधि में सर्वप्रथम मानव का लक्ष्य को समझा, मानव लक्ष्य में ये समझा समाधान समृद्धि या भय सहस्त्रपूर्वक जीना ही मानव लक्ष्य, इसको समझा। इसको समझने के बाद वो समाधान समृद्धि पूर्वक हर परिवार दे सकता है, इसको स्वीकार, तो हर परिवार दे सकता है, तो इसका मतलब मानव लक्ष्य के आधा भाग न केवल एक परिवार में ही प्रमाणित होता है या आ गए, तो इसको उसको प्रमाणित करने के लिए हम प्रयत्न किए। प्रयत्न करने से हम समाधान समृद्धि पूर्वक, हमारे यहाँ ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार तो नहीं होता है, ज्ञान व्यापार धर्म। अभी इसमें न्यायालय में धर्म व्यापार और न्याय व्यापार होता है कि नहीं देखिए, पहले मूल्यांकन करिए उदार चित्त बुद्धि से, और बाजार में ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार होता है कि नहीं होता है उसको देखिए, व्यक्ति में धर्म व्यापार का होता ज्ञान व्यापार के प्रवृत्ति है कि नहीं है देखिए, तो किस बात को लेके सुविधा संग्रह को लेके ज्ञान व्यापार धर्म व्यापार। अभी इसके पहले कौन सा धर्म व्यापार था, धर्म व्यापार रहा है तो त्याग वैराग्य का धर्म व्यापार, और मानव धर्म का मानव के लिए है, मानवत्व के लिए धर्म व्यापार, दोनों व्यापार के, तो व्यापार से कुछ मिला नहीं, संसार को मिला नहीं, ना स्वयं को मिला, मेरे मैं व्यापार करने वाले धर्म व्यापार करने वाले परिवार के संतान मैंने क्या करना है, वेदमूर्ति परिवार का मतलब है धर्म व्यापार करने वाले, उनका सम्मान धर्म के धर्म को व्यापार में लगाने से ही उनका सम्मान होता था, दक्षिणा मिलता था। अभी हमारे देश में एक मंदिर है वेंकटेश मंदिर तिरुपति,
उस मंदिर में बताते हैं एक दिन में 2-4 करोड़ रुपया एक दिन में पैदा करते, तो वहाँ धर्म व्यापार है कि नहीं आप ही देखते मंदिर में आप ही सोचते धर्म व्यापार है कि नहीं उसी को सोचते शोध करो ऐसा मैं सोचता ठीक है शोध करना अपना काम आई है शोध करने का अधिकार सबके पास है उसको उसको सोचना ये देखा मैं अपने में जो निर्णय लिया वो निर्णय लिया जो हमको धर्म व्यापार ज्ञान व्यापार हमको करना है हमारे पास नहीं ठीक है एक चर्चा के बारे में तो हम सारे किताब छपा हमारे पुरुषार्थ से उसके लिए कहीं चलना नहीं मांगा किसी से अपने हमारा पुरुषार्थ से ही छपा है छपा करके उसमें यदि 2 पैसा बचता है उसका उसमें संसार के लिए अर्पित कर दिए हम उसको हमारा किचन में हमारा खाने में हमारा उपयोग में वो नहीं आए ऐसा व्यवस्था हमारा पुरुषार्थ से पूरा छपाया किसी से चंदा नहीं मांगा है भीख नहीं मांगा है ठीक है रात क्या किया पूछा जाता है कृषि गोपालन और असाध्य रोगों का चिकित्सा किया इस ढंग से काम किया हम कोई वस्तु देते हैं वस्तु लेंगे उस वजह से हमको जो जरूरत थी उससे अधिक होने के आधार पर हम इसको पुरुषार्थ से छपवाए ऐसा कहा था ऐसे ऐसे छपवाने के पश्चात वो उसको क्या कर दिया उसके उसमें यदि कोई चीज पैदा होता है वो हमारे पास आएगा ऐसा व्यवस्था दे दिया इससे इससे अच्छा क्या किया जा सकता है आप ही सोचिए ये सब हमका हमारा किया हुआ कार्यक्रम है हमारा स्वयं विवेक से सोचा हुआ है इसमें कोई किसी का मजबूरी नहीं कोई किसी का उपदेश नहीं किसी का कहनौत नहीं सीधा सीधा हमारा स्वयं स्फूर्त में जैसी है ये सब पूरे का ऐसा हम नहीं जिए ठीक है जीना से कब से शुरू किया हमारा 60 वर्ष से शुरू किया 60-70 वर्ष से शुरू किया शुरू करने के बाद अभी हम 90 वर्ष को पार कर गए अभी तक हमको कोई अपराध करने की जरूरत नहीं बना ना अपराध प्रवृत्ति में हम हूँ अपराध के पक्ष में हम नहीं हूँ अभी हमारा हमारा घर में यदि आपराधिक वस्तु आता है वो क्या चीज आता है ये बिजली के रूप में आता है अपराध का उपज है महान अपराध का उससे मुक्ति पाने के लिए हम 10 लाख रुपया खर्च करने के लिए आज तैयार हैं उसके लिए जिम्मेदार पर व्यवस्था नहीं आ रहा है हमारे सामने केवल हमारा हमारा घर में प्रकाश बना रहे उसके लिए व्यवस्था दिया जाए और हमारा पानी कुएं से ऊपर आ जाए उसकी व्यवस्था दिया जाए इतने के लिए कोई तैयार नहीं क्या क्या 10 लाख रुपए हम तैयार करने के खर्च करने के लिए तैयार बैठे अभी 90 वर्ष की आयु में कितने आयु में 90 वर्ष ये बात पता ये सब बात को देखने पर संसार अपने में जो व्यापार कर रहा है वो व्यापार में कोई सामने एक व्यक्ति के ग्राहकों का सुविधा का ज्ञान नहीं ग्राहकों का आवश्यकता का प्रति सोचा है आवश्यकताएं जितना जहरीला हो सकता है जितना रोगों को उत्पन्न कर सकता है उसी को सोच करके हमको हम हमारा देश में तो प्राप्त इतना हम जानते हैं ठीक है ऐसे जो देश में जो मनुष्य है ना मिलावट की संसार में फंसा है हमारा देश उससे भी मुक्ति पाना आवश्यक और उसके बाद जो है ना झूठ बोलने में नंबर एक हर हर न्यायालय में तो झूठ की गवाहियाँ कितना होते हैं आप देखते ही होंगे जो न्यायालयों में जो भिक्षा वकालत करते हैं वह सभी देखते होंगे कितने लोग झूठ बोलते हैं ठीक है ऐसा बात है ना झूठखोरी मिलावट ये दोनों हमारा बकौटी हो गया इससे भी मुक्ति पाना जरूरी ऐसा मेरा सच जय हो मंगल कल्याण